वायरस के संक्रमण के कारण दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस महामारी के प्रसार को रोकने के लिए देश भर में मार्च में लॉकडाउन लगाया गया था, जिसके बाद से ही अभी तक दिल्ली में मेट्रो सेवा बहाल नहीं हो सकी है। इसके बाद से हर महीने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को 300 करोड़ का नुकसान हो रहा है। इसे देखते हुए अब दिल्ली मेट्रो रेल के कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाएं और भत्ते में कटौती शुरू होने वाली है। भारत में कोविड 19 के 55,069 नए मामले सामने आए। इसके बाद संक्रमण के मामले बढ़कर मंगलवार को 27 लाख के पार पहुंच गए। राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,374 नए मरीज सामने आने के बाद यहां संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,54,741 हो गई। पिछले 24 घंटे में 12 मरीजों की मौत हुई और कुल मौत का आंकड़ा 4,226 हो गया। दिल्ली में कोरोना रिकवरी रेट 90% हो गया है। देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच पिछले 24 घंटे में करीब 9 लाख टेस्ट हुए। देश में अब तक करीब 20 लाख लोग इस महामारी को मात दे चुके हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार देश में साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 10% से घटकर 7% हो गई है। वहीं दिल्ली एयरपोर्ट पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के यात्रियों के लिए कोविड 19 टेस्टिंग की सुविधा का बंदोबस्त किया जा रहा है। जो लोग जांच में नेगेटिव आएंगे उन्हें अनिवार्य रूप से किए जाने वाले 7 दिन के संस्थागत क्वारंटीन से राहत दी जाएगी। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समारोह पहली बार इस साल कोरोना वायरस महामारी के कारण ऑनलाइन आयोजित हो सकते हैं, जिसमें सभी विजेता अपने अपने स्थानों से 29 अगस्त को लॉगिन करके अपने नामों की घोषणा होते हुए सुनेंगे। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार खेल दिवस के मौके पर 29 अगस्त को दिए जाते हैं, जो महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन है। खेल मंत्रालय के सूत्रों की माने तो इस साल का पुरस्कार समारोह ऑनलाइन होने की संभावना है। भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार समारोह के दिन ही सुबह विजेताओं के नामों की घोषणा की जाएगी। कोरोना संक्रमण के बाद शरीर में बनने वाली एंटीबॉडीज से इसके दोबारा संक्रमण का खतरा नहीं है। वैज्ञानिकों ने पहली बार इस बात की पुष्टि की है। अभी तक इस मुद्दे पर अलग अलग दावे किए गए थे। हालांकि ये एंटीबॉडीज कितने समय तक कारगर रहेगी यह अभी तक स्पष्ट नहीं है। नेचर में प्रकाशित एक रिपोर्ट की माने तो यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन के स्कूल ऑफ मेडिसिन के शोधकर्ता अलेक्जेंडर ग्रेनजर की टीम ने अमेरिका के एक फिशिंग शिप के क्रू मेंबर की जांच के बाद इस दावे की पुष्टि की है।